मुझे भी जन्म लेने दो। शिव के माह में शक्ति का संकल्प के साथ प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बेटियों का लिंगानुपात बेटों के बराबर करने के संकल्प के साथ हर की पैड़ी से ही कावर उठाई। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी के साथ गंगा पूजन किया। यहाँ से कावर उठाने के बाद पैदल यात्रा पर ऋषिकेश के लिए निकल गई हैं, जहाँ वह वीरभद्र महादेव मंदिर में संकल्प को पूरा करने की प्रार्थना के लिए जल चढ़ाएंगी। आज शिवरात्रि के पर्व पर हर की पैड़ी पर गंगा पूजन कर कावर उठाने के बाद उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अपने संकल्प के विषय में बताते हुए कहा, आज कावड़ियों की शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि में निश्चित रूप से जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने यह संदेश दिया कि वह शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति जो है वह शिव के बगैर अधूरी है, तो आज का ये संकल्प इस उद्देश्य के साथ में है, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए कि हमारे प्रदेश में अथवा हमारे देश में किसी भी प्रकार से हमारी कन्या जो जन्म लेने का अधिकार रखती हैं उन्हें जन्म लिया देना चाहिए और हम सब को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है स्वयं भी संकल्प लेना चाहिए कि नहीं हो और दूसरे को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। आज का संकल्प मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महामय शक्ति का संकल्प, मैं समझती हूँ कि यह संदेश उत्तराखंड को देवभूमि के अतिरिक्त देवियों की भूमि बनाने की ओर अग्रसर करेगा और निश्चित रूप से देश के लिए भी ये बेटियों के उत्पन्न होने के परिप्रेक्ष्य में लोगों की मानसिकता में जो कि एक गिरावट है उसको ठीक करने का भी काम करेगा। मैं समझती हूँ कि भोले बाबा के माध्यम से यह आशीर्वाद महिला सशक्ति बाल विकास विभाग जन जागरूकता के रूप में इस अभियान को कर रहा है। निश्चित रूप से आज सभी लोग जलाभिषेक करते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो कि हमारे संत महात्मा यहाँ पर हैं सबके आशीर्वाद से आज ये संकल्प कि हमें बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर यह संकल्प लिया गया है। निश्चित रूप से संतों के आशीर्वाद से मैं समझती हूँ कि आने वाला समय जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा होगा तो निश्चित रूप से कहेगा कि जितनी लड़कों की संख्या है उतनी लड़कियों की भी संख्या आज हम देख रहे हैं। यह यात्रा पूरी 25 किलोमीटर की है और इस पूरी 25 किलोमीटर की यात्रा जो कि हमारे ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर जो कि 1300 साल पुराना महादेव का मंदिर है वहाँ जलाभिषेक माननीय मुख्यमंत्री के साथ करते हुए इसका समापन किया जाएगा। निश्चित रूप से वह एक अंतिम पड़ाव होगा लेकिन विभाग अपनी ओर से लगातार कन्याओं को बचाने, पढ़ाने, आगे बढ़ाने में संतों के आशीर्वाद को लेते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कैबिनेट मंत्री को उत्तराखंड की अहिल्या बाई की संज्ञा देते हुए उनके संकल्प की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।